ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी। और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीजें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं, आपको क्या लगता है 17 मई के बाद? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो खत्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए, क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए, क्या ऑटो चालू होनी चाहिए, टैक्सी चालू होनी चाहिए, क्या स्कूल खुलने चाहिए, मार्केट खुलने चाहिए, इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए, क्या क्या चीजें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं खुलनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखनी है, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूं, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा, और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है, आइडिया चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके, हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इन इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपनी अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 10 31 1031, इस पे फोन करेंगे आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी आवाज रिकॉर्ड, आपके सुझाव रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं, व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 8800007722, 8800007722। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhicm.suggestions@gmail.com, delhicm.suggestions@gmail.com। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा, आप अपने अच्छे अच्छे सुझाव भेजिए, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर, और आप सबके सुझावों के आधार पे और सभी एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद मैं परसों तक अपना दिल्ली वालों का प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को हम भेज देंगे। केंद्र सरकार उसके बाद तय करेगी कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन रहेगा नहीं रहेगा, कितना रहेगा, किस किस क्षेत्र में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।